और इसी के साथ हम चाहेंगे कि हम वेट कर रहे थे, कुछ बैनर मंगाए गए थे, नीचे पता करिए अगर वो बैनर आ गए हो, फोटो में बैनर भी आ जाएगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा किस चीज का वर्कशॉप है। प्रांजल, मैं चाहूंगा कि तुम अपने इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि तुम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कैसे आए। थैंक यू नीरज सर, जितना मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए था सर पहले कर, तो कुछ खास ऐसा बहुत ज्यादा हम लोग डेप्थ के ऊपर बात करेंगे और डेप्थ पे ही बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, किस स्ट्रेटजीज पर हम काम करते हैं। मेरे को ये बताओ कि क्या जो बीबीए के छात्र हैं उनको कहां प्रॉब्लम आएगी, ग्रेजुएट उनको प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कोर्स बेसिकली सेवेंथ के ऊपर, अगर कोई भी क्लास सेवेंथ में भी है, और आजकल डिजिटल गैजेट्स के साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पढ़ाने वाले वैसे होने चाहिए, तो प्रॉब्ली सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता है, बाकी यूट्यूब पे तो बहुत लगता है। हाँ, नॉलेज गेन कर सकते हैं, और बीबीए और एमबीए वालों की जो बिजनेस बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से है उनको बहुत इफेक्टिव होगा। बीसीए वाले को भी, अगर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपने आप को यू नो कन्वर्ट करना चाहते हैं, या बीएससी आईटी वाले को करना चाहते हैं। डाइकोटमी ये है कि एक वर्ड है डिजिटल, जिससे बीसीए वाला जुड़ जाता है, हाँ? दूसरा वर्ड है मार्केटिंग, जिससे बीबीए वाला मैनेजमेंट वाला जुड़ जाता है, लेकिन मैनेजमेंट वाले को डिजिटल वर्ड अकड़ता है और बीसीए वाले को मार्केटिंग वर्ड अकड़ता है, इसका समाधान दो। इसके लिए हम लोग ऐसी चीजों पर काम करेंगे जिसमें मैनेजमेंट भी हो और बीसीए के कंपोनेंट्स भी हो, जैसे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, इसको डिजिटल मार्केटिंग में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। देखो, इसका सीधा सीधा समाधान समझ लो, जितने आईटी वाले यहाँ पर छात्र हैं, आप लोग जब भी आईटी में काम करोगे, आईटी में आपको किसी ना किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना है। कंपनी का सेल्स बढ़े, कंपनी का अकाउंट्स और फिनांस बेटर मैनेजमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट हो उसका। आप समझे बात को, आप आईटी वाले जितने भी छात्र हैं, आप बिजनेस के स्मूथनेस के लिए ही वर्क करोगे, तो ये तो आप भूल जाओ कि बिजनेस से आपको कोई दुश्मनी रखनी है, दूरी रखनी है। पहले तो मैनेजमेंट का पूरा पूरा पेपर आईटी में, अभी भी एक पेपर तो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, तो है मैनेजमेंट की पढ़ाई, मैनेजमेंट का पेपर होना, ज्ञान होना, फाइनेंस अकाउंट्स, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए? आईटी वालों के लिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाओगे? बिजनेस के लिए बनाओगे। आप समझे बात को, तो वो तो आपको समझ में आना ही चाहिए। रहा सवाल जो हमारे मैनेजमेंट के छात्र हैं, आप लोगों को सिंपली मार्केटिंग सीखनी है। अब वो मार्केटिंग आप सीख रहे हो कोर्स में रियल वर्ल्ड में, रियल मार्केट में, जो रियल वर्ल्ड जिसको कहते हैं ऑफलाइन दुनिया, लेकिन जो ऑनलाइन दुनिया है उसकी मार्केटिंग तो सीखनी पड़ेगी आपको, बोले बात को। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से, और हमारे बीबीए वाले छात्र अमेजन में है, बीबीए वाला छात्र, यानी कि इसमें कोई यहां पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कोई बैरियर नहीं, और प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती है इसमें जो कि बहुत टफ हो, ऐसा कोडिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होगा ना, बहुत कोडिंग बहुत टफ ऐसा होगा, जो कि सी प्लस प्लस और जावा और एडवांस जावा और पाइथन, ठीक है, तो टेंशन फ्री होकर कोर्स करना, थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ आपको सिंटेक्स या थोड़ा कोडिंग मतलब थोड़ा आपको यूआरएल वगैरह टाइपिंग वगैरह करना होगा, थोड़ा वो सब आपको सीखना होगा, ठीक है, उसको इसलिए ताकि फास्ट काम आप कर सके। हर जगह कीबोर्ड माउस से काम करोगे तो बेस्ट नहीं होगा, कहीं कहीं कभी कीबोर्ड से काम करना जरूरी होता है, तो वो थोड़ा आपको उतना आता है आपको, और अगर नहीं आता है तो उतना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और इसलिए दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा।